talking, my mouth short and I listen. Afraid I lose you if I didn't. Girl, we're fine. Little bit of the world that we're gonna have. चार टीम्स बच जाएंगी। We are having teammate bid, we are having skylights, we have seven seats and we have eleven esports। जिनके नंबर शायद बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं और ये मैच अभी तक जिस टीम के इर्द-गिर्द घूमता रहा। ओह, अक्सुनो ने स्पॉट कर लिया था, but स्प्रे गॉड ने उन्हें पिक ऑफ कर लिया। अच्छा लग रही, उम्मीद जरूर थी, फाइनली कंफर्मेशन आता हुआ, क्योंकि हमने देखा था टीम गॉडलाइन ने रेवेनेंट के बंदों को फिनिश ऑफ करा था, लेकिन कंप्लीट वाइप आउट नहीं हुए थे। आईजीएल एक आखिरी उम्मीद जरूर थे, बट अभी के लिए माई भी यहाँ पर आखिरी तीन प्लेयर्स, आखिरी तीन टीम्स हमें देखने को मिल रही है, जिसका अपने नाम भी यहाँ पर जिक्र था, टीम 8bit, टीम स्काईलाइट्स गेमिंग एंड सेवन सीज। और सेवन सीज तो चाहती भी है, कल जब हमारा जब इंटरव्यू यहाँ पर रहा था, जब वो टॉप यहाँ पर रहे थे, तो उन्होंने बताया भी था कि स्टार्टिंग के तीन चार मैचेस पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन आखिरी के कुछ मैचेस से वो नाखुश थे। बट आज वो चाहते हैं कि आज का जो दिन है, आज का जो स्टार्ट एक परफेक्ट मिले और इसी को मेंटेन करते रहे, ताकि जो टॉप टेबल की जो टीम होती है, मतलब जो पोजीशन की टीम होती है, उसको काफी अच्छा खासा बफ मिल सके। यहाँ पर मिल भी रही है, बढ़िया लूट मिल रही है। किल्स की अगर आप फिनिशेस की बात करें तो बहुत जबरदस्त फिनिशेस मैं कहूंगा इनके पास। सामने आपको मिलते हैं स्काईलाइट्स के प्लेयर्स, ओ पुकार बाबा लक्ष्य को डाउन कर जाएंगे, कमला बहुत गुरु तरीके से फिनिश ऑफ कर देंगे। तो 8bit की टीम यहां से एलिमिनेट होती हुई, वी हैव 8bit अक्षु आउट देयर, 8bit वीर आई थिंक इज सर्वाइविंग, जो कि एक अच्छे स्पॉट पर जरूर से है। वेट कर सकते हैं दोनों की फाइट शुरू होने का। मेरे हिसाब से यहां पर वीरू को अभी के लिए डैमेज नहीं देना चाहिए जब तक इन दोनों की फाइट शुरू नहीं हो जाती। टॉप टू इनका क्लियर है, अगर यहाँ पर ये डैमेज नहा दे मेरे हिसाब से रुके रहे तो मौका बन सकता है, बट पीछे से जोन आ गया गेम, तो ये शायद थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वीरू को अब नीचे आना ही पड़ेगा, बट पहला नॉक कहां से निकालेंगे, क्या हील बैटल कर सकते हैं? आई थिंक यस, ये हील बैटल कर रहे हैं और आखिरी टाइम में जब प्लेयर्स को नॉक पाएंगे तो जाते जाते वो दो फिनिश पॉइंट्स में निकाल जाए, तो मेरी नजर में वो हील बैटल करना एक बेहतर ऑप्शन हुआ है। अभी तो पता नहीं क्या थिंकिंग चल रही है, लेकिन हील बैटल के साथ आप वो भी दो फैसिलिटी आप ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन माय विवेक में क्यों आपसे पूछा जाता, सारंग जब उनको दिख गए थे क्योंकि स्मोक वहां पर क्रिएट करें, नो डाउट, तो वहां पर थ्रोबल्स फेंके जा सकते थे उनके द्वारा, इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। दो खिलाड़ी वहां पर कवर के पीछे है, दोनों के पास अभी सर्कल भी है, एक और शिफ्ट आएगा, सर्कल किसके पास जाएगा, देखने वाली चीज, पर नहीं लगता इनको सर्कल की कोई खास जरूरत है। नॉक निकाला गया है वहां पर, स्लैम डालने की बारी यहां पर आ जाती है, लुक एट द फिनिश पॉइंट, 23 मिनट पॉइंट यहां पर सेवन सीज की टीम के पास, अरे गॉड हो गया यार, एक ग्रेनेड 25 मिनट पॉइंट का ये चिकन डिनर, टीम सेवन सीज का इंतजार करता हुआ, बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किए जाने वाले, जो प्लेयर नॉक डाउन का रिवाइवल भी मिल जाएगा, बैक टू 3v2 का ये फाइट, अलादीन के ग्रेनेड्स कनेक्शन कई बार नहीं भी ढूंढ पा रहे, पेड़ के पीछे बैक टू बैक ग्रेनेड्स किए जाने वाले हैं, बट यू नो अभी भी मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, जो एक नॉक हुआ था वो वापस रिवाइवल लेके जा चुका है, और एक बार 25 finishes का चिकन डिनर, 4 टीम स्काईलाइट्स, ओ 4 टीम सेवन सीज, आई वुड से माय गॉड, मतलब हर जो जगह पर फाइट हुई है वहां पर सेवन सीज का नाम आ रहा था, ये हम देख रहे थे, बट फिनिशेस के साथ यहां पर एक बेहतर तलाश में, बेहतर फिनिशेस की तलाश में सामने आपको मिलेंगे वहां पर एस्टेक्स और एस्टेक्स के रॉबिन, बट चारो गॉड रिस गॉड कम अप विद द ग्रेनेड, यस ही हर्ड मी राइट, सामने हो ब्लू भी ऑपर ग्रेनेड कर रहे हैं, किसका कनेक्शन बनेगा भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज, सामने से आया गाड़ी के पीछे रियो, तो यहां पर मालूम लग गया, बट रियो के नेट से किसी को कनेक्शन नहीं बना, और एक बार फिर से यहां पर ग्रेनेड का दान प्रदान, ओ गाड़ी के नीचे रियो खड़े हो गया, जाओ ब्रो वहां पर बेबू पर ग्रेनेड पड़ सकता है, ओ फट गया, फिर मैं बोल दिक्कत हो सकती है, बट ड्रॉप इन ऑन टू द अदर साइड, आज दिक्कत में आने वाले, बिकॉज़ ये अकेला खिलाड़ी इतना अच्छा क्लच शायद इतना आसान नहीं है, इतने इंटेंस में माइट भी उनको लगा होगी कि कार का कवर उनको बचा लेगा, बट स्टिल वो गैप जो रहता है आपको डैमेज प्रोवाइड करता है, अगर आप इन इफेक्ट ऑफ ग्रेनेड में अगर आप आ जाते हैं तो। मार्कोस गेमिंग की बात करते हैं तो काफी मल्टीपल फाइट्स को क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, 9 फिनिश निकाल चुके, एक बढ़िया मौका, और इस गेम में माय भी हमें काफी टीम देख रहे हो जो सेकंड चार्ट में चल रही थी, वो मुझे लग रहा है कि इस परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा ऊपर काफी अच्छा उछाल यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकती है, गॉड लाइक स्टिल यहाँ पर अगर बात करो एक कैच शॉट यहाँ पर खा चुके हैं मार्कोस गेमिंग, 9 फिनिश के साथ अभी भी आपको नजर आते हुए, लेकिन जोन के अंदर आना ये एक मेजर चैलेंज मुझे नजर आ रहा है अभी के लिए मार्कोस गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलाकी से अंदर आ गए तो शायद कुछ हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता मार्कोस गेमिंग
इतनी आसानी से सर्कल के अंदर आने देगी और यहाँ पर फ्री फायर और प्रिएम्प्टिव नेट सब कुछ बहुत अच्छा जा सकता है। क्लच गॉड वहां पर नो गॉड हो चुके हैं, डाउन टू टू गॉड लाइक की टीम। मेरे हिसाब से यहाँ से जोन के अंदर एंटर करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत सारे स्मोक्स लग जाएंगे। क्लच गॉड को पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा और मार्कोस गेमिंग सेकंड एनर की आइडियल कंटेंडरशिप यहां से लेकर जाती है। गॉड लाइक का भी इस मैच में एफर्ट काफी अच्छा, 12 फिनिश पॉइंट्स यहां पर आज क्लेम करे, तो आई थिंक वो अग्रेसिव टीम जिसके हमने आज डिमांड करी थी वो वापस आ चुकी है। बिल्कुल, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने शायद यहाँ पर मार्कोस गेमिंग के लिए बोलते कि जोन के बाहर वो यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहे हैं, बट जी नहीं, ये चीज थी गॉड लाइक के लिए। लेकिन एक और खिलाड़ी यहाँ पर इस फ्रेम में आपको नजर आएगा यहाँ पर माई भी, वो है हैशटैग रॉबिन। एंड शायद जब गॉड लाइक यहाँ पर मतलब वो फोकस, जब मार्कोस गेमिंग यहाँ पर टीम गॉड लाइक के ऊपर फोकस कर रही होगी तो रॉबिन हो सकते हैं मार्कोस गेमिंग को डिस्टर्ब करते हुए। बट क्या लग रहा है, वो थिंकिंग रहेगी उनकी, क्या वो वेट करेंगे, क्या लगता है आपको? ट्रिगर डिसिप्लिन, आई थिंक ट्रिगर डिसिप्लिन का सहारा ले सकते हैं, बट फिनिश वैसे भी आई थिंक ऐसे समय यूज नहीं हो, अपने आप को ग्रेनेड से डाउन कर देंगे। और मुझे लगता है कि वीगो शायद इनमें से किसी को भी किल देने वाले हैं, देखिए वीगो बस आउट करके ही फिनिश ऑफ होना चाह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं स्मार्ट मूव कि आप अपने ओपोनेंट को नहीं देना चाहते कोई भी वो पॉइंट जो आगे टेबल में एक बफ उनको देकर जा सकता है। बट एज एक्सपेक्टेड मैंने आज 5 नाम लिखे थे 5 सेकंड एनर के, एंड कहीं ना कहीं उसमें मार्कोस गेमिंग का नाम था और वो टीम यहां से उस पर खरी उतर कर आती थी। मार्कोस गेमिंग यहां पर लेकर जाती है एक प्रिंग अप, फायदा होगा क्यों, क्योंकि जोन है, हायर ग्राउंड एडवांटेज है, बढ़िया टीम वीपी का कवर है। रविंग के प्लेस की और गॉड लाइक की मैं कहूंगा एक बेहतर फाइट हमें अभी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, बट मार्कोस गेमिंग के बिस्कॉड अभी भी मैच में बने हुए हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। और जीवन असाइनमेंट डाल दिया बंजन की फाइट और जो तब से पीछे पड़े थे टीम 7 सीज के, अब जाके वो टीम डाउन हुई है। फाइनली जीवन का जो एफर्ट था वो काम में आया और 1v4 पूरे तरीके से नहीं बढ़ा, 4 फिनिश पॉइंट्स यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जीगोट ने अपने नाम कर लिए हैं। चारों खिलाड़ी बचे हुए रेवेनेंट के, चारों खिलाड़ी बचे हुए गॉड लाइक के। नियो आपको मिलेगा यहाँ गॉड पर सब्स्टिट्यूट अपनी एकेएम के साथ डीएस लगाकर, और डीएस प्लेन के कंट्रोल करना कभी भी आसान नहीं होता है इस तरीके का प्लेयर। बिल्कुल, और सिचुएशन देखिए आप किस तरह की है, जी गॉड को फाइनली यहाँ पर लॉक एंड कंफर्मेशन आता हुआ और जिस जगह पे उन्होंने कवर क्रिएट करना भाई भी ये आप समझिए यहाँ पर मोस्टली टाइम से आपको यहीं पर ही होल्ड करते रह जाइए। लेकिन रेवेनेंट को स्पॉट आउट कर दिया है, नियो पहले बोल रहे मैं थोड़ा संभल के गए, प्रोन आप हो गए लेकिन जगह बना दीजिए ताकि उनको मैं रिवाइवल यहाँ पर दे सकूं। स्काईलाइट की तरफ से अगर हम बात करें 3 खिलाड़ी भी यहाँ पर जीवित है और 4 टीम कौन कौन सी है यहाँ पर भाई भी एक बार जरूर देखना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, 4 टीमों में से आपको एक टीम गॉड लाइक, एक रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स, मार्कोस गेमिंग के बेस्ट गॉड, स्काईलाइट की टीम बेस्ट गॉड वहां पर अभी भी रुके हुए और जाते जाते एक प्लेयर को फिर नॉक कर कर गए हैं, बट जोन का डैमेज बन जाएगा। गॉड लाइक के एक प्लेयर नॉक है, सोमराज और गॉड लाइक की यू नो जो स्काईलाइट की टीम है उनके पास नंबर एडवांटेज उतनी ज्यादा नहीं है, एक प्लेयर नॉक है रेवेनेंट का जिन्हें मेरे ख्याल से आराम से रिवाइवल मिल जाएगा। अब तीनों टीम जोन के एक कॉर्नर पर है, ये वाला जो जोन का शिफ्ट रहेगा ना तो वो बचपन की याद आ गई कि भाई जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जोन में आना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों कॉर्नर्स पर है और तीनों का अभी इस बीच में जो ये सारी डिप्स का बीच का जो सेंट्रल स्पॉट है ना यहाँ पर आना पड़ेगा। बट क्या इन तीनों में से किसी एक को जोन का फेवर मिल सकता है? अभी के लिए देखिए सर्कल भी कुछ इतना ज्यादा हो चुके ना, अगर जोन भी अगर शो करेंगे ना फुल जूम हो चुका है और प्लेज इतने ज्यादा है, 10 खिलाड़ी अभी भी जीवित है गाइस, 3 टीम्स यहाँ पर लाइव है, तो एक चीज है यहाँ पर जो प्रोवाइड कर सकती है, जो उसकी संभावना है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है वो रहेगी जिनके पास स्मोक्स है, एंड स्मोक के जरिए आप बुशेस पे अपने आप को हाइड करा सकते हैं। या देखिए एक स्मोक कम से कम नाना करते हुए भी 27-26 सेकंड्स काम में आता है, क्लाउड बना के रखता है, तो अभी तक के लिए रेवेनेंट ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। जैसे ही नियो रेवेनेंट के ऑस्टिनस को डाउन करने की कोशिश करेंगे आईजीएल यहां पर खड़े हो जाएंगे, बट इन्होंने तो उल्टा ही कर दिया, इन्होंने पहले आईजीएल करेंगे शायद, जी हाँ, दूसरा फिनिश पॉइंट नियो के लिए, 11वां टीम गॉड लाइक के लिए, नियो ऑन फायर, क्लच गॉड, ओ डैमेज लिया था वापस से कवर में, सामने रेवेनेंट के 3 और देखते ही देखते स्काईलाइट्स के प्लेयर्स को भी डाउन कर दिया जाता है क्लच गॉड के द्वारा। जॉनाथन के पास फिनिशेस आज कम है बट कहीं ना कहीं ये टीम अच्छा कर रही है, मुझे चिकन डिनर जो खोज रही थी पिछले 2 मैचेस में वो अब आता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉप डॉग के पास एक बढ़िया M249 है जिसे रैप करना एक बेहतर मूव साबित हो सकता है, बट आप देख सकते हैं कि रेवेनेंट के प्लेयर्स ने हील बैटल का भी इंतजाम कर रखा है, सो यू नेवर नो, ज्यादा बाहर आने का इरादा मुझे लग नहीं रहा है रेवेनेंट मैं एक बार जरूर देखना चाहूंगी बाकी खिलाड़ियों के पास कितनी हीलिंग्स है। तो मैं भी जैसे मैं चेकआउट कर भी रहा था तो एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के पास वहां पर बस 3% किट देखने को मिलते हुए, एंड शायद जो आप बोल रहे थे ना कि खिलाड़ी ने डिस्टेंस बना लिया है और टीम को पूरी तरह से अब सिक्योर हो चुका है कि ये विनर चिकन डिनर टीम गॉड लाइक को लेके जाएगा। नो डाउट पिछला गेम आपका हैशटैग 2 था और ये गेम आपका लेके जाता है हैशटैग 1 और ये देखिए सेलिब्रेशन भी होता हुआ और क्यों ना हो
मेहनत की गई इस चीज के लिए। आप देखिए बहुत देर से मुशक्कत चल रही थी जो कप्रेसर के साथ साथ इस्तेमाल किया जा रहा है एंड डेफिनेटली एक ये तो रहने ही वाला है। ऑन द अदर हैंड रेमिनेटिंग स्पोर्ट्स अभी भी फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑस्टिन यहाँ पे एक और फिनिश लेके जाने वाले हैं। एस्टेक के प्रधान यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे फिलहाल के लिए स्पॉट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एस्टेक यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं कंप्लीटली टीम राइवलरी स्पोर्ट्स को। पांच टीम आठ खिलाड़ी, ग्रेनेड यहाँ पे थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है प्रधान के ऊपर, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कौन लेके जाने वाला है इस मैच का विनर। विनर चिकन डिनर इंतजार रहेगा अलग अलग यहाँ पर टीम आपको देखने को मिलते भी। प्रधान यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकलते हैं, लेकिन एमजी उनका स्वागत कुछ इस तरह से करते हैं, स्मोक से बाहर निकलते हैं। शायद उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि एमजे यानी कोई भी खिलाड़ी वहां पर उस स्मोक से आ सकता है, उनको वहां पर नॉकआउट फिनिश निकाल सकता है। सामने गाइस यहां पर एस्टेक के एकीओ भी आपको नजर आते हुए, जी एकता की बात करें एक बढ़िया मौका है उनके पास कि फिर से एक चिकन डिनर यहां पर निकाल सके। कल अगर बात करें आखिरी गेम में उन्होंने वो जो चिकन डिनर निकाला था मोमेंटम अपना नाम करा था, लेकिन वो मोमेंटम अभी के लिए आज के दिन में उतना अच्छा हमें खासा देखने को नहीं मिला, लेकिन एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर चिकन निकालने के सैनॉक मैप में। गेम जो ग्रेनेड होता है कनेक्ट एमजे के ऊपर गैलेक्सी रिसर्च के लिए होने वाला है दिक्कत, बिकॉज रॉक्स आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं एंड आईजीएल को एक्जैक्टली पता है कि एमजे को वो कहां पे नॉकआउट किए थे एंड उसके साथ साथ 50% एचपी भी यहां पे एमजे की ड्रॉप हो चुकी है। रॉक्स की अगर आप बात करेंगे कोशिश करें स्नीक इन करने की, उनको किसी भी हाल में धीरे धीरे करके एक और लोअर ग्राउंड में बढ़ना पड़ेगा। एमजे को रहना है दूर, बिकॉज एमजे अगर यहां पे नजदीक चले जाते हैं रॉक्स के वो पोजीशन दे बैठेंगे। यहां पर स्नीक इन किया जा रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, बट कौन बचा हुआ है गेम? So, Marcos Gaming की तरफ से Wizgod, मैं तो Wizard कहना चाहूंगा इनको, ये अपनी जादूगरी दिखाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे जादूगरी दिखा पाएंगे वही सवाल रहने वाला है। IGL को स्पॉट कर चुके हैं, वो कंफर्म हो रहे कि और कोई खिलाड़ी है कि नहीं। तीन टीम चार खिलाड़ी, रेमनेट के पास नंबर्स एडवांटेज, यहाँ पे रॉक्स हो जाते हैं एलिमिनेट। 1v2 का मौका रहेगा, दोनों खिलाड़ियों को स्पॉट किया गया है। ऑस्टिन आ गया है, रॉक्स का टक्कर, 1v2 का मौका रहने वाला है। रेमनेट का IGL वर्सेस Wizgod इज गोइंग इन 1v1 ड्यूअल फाइट, यहां पे एक टू मोर 9v4 रीलोड जाना पड़ेगा। एम टूर्नामेंट करी तो यहाँ पे नहीं आने वाले और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे लाने वाले हैं। Wizgod दिखाते हैं अपनी जादूगरी एंड चिकन डिनर जाता है नन अदर देन Marcos Gaming के पास। देखिए जब हम उनके पीओ में आए थे जीरो फिनिश थे उनके, स्पॉट नहीं किया है अभी तक भी, उल्टा स्नैच ने यहाँ पर डेस्ट्रो को स्पॉट किया हुआ था ऑलरेडी, और ये ग्रेनेड शायद एक बार फिर से डेस्ट्रो को नॉक कर सकता है, बट ये छोटा रह गया, काफी आगे करना चाहते थे, आगे कर सकते थे बट नहीं किया गया। अब जो ये दूसरा ग्रेनेड जा रहा है क्या ये डेस्ट्रो को नॉक कर पाएगा? शायद नहीं, थोड़ा सा डैमेज देगा। दोबारा एक और थोड़ा जा रहा है, इस बार मौली जाएगी और मौली का कनेक्शन भी यहाँ पर मेरे ख्याल से पार्सली बनेगा, बट नहीं, वो मौली का कनेक्शन बन जाता है। प्रोबेबल 1v2 वैक्सी के साथ 1v1 की फाइट स्नैच के साथ माइक्रो उसी के साथ आगे जाना चाह रहे हैं। हिट फायर के चलते यहां पर पहले जो कनेक्शंस आने थे वैक्सी को देना चाह रहे थे वो अपने ऊपर ले लिया, आदित्य को ऑफ गार्ड एंगल पिक करना चाह रहे थे, बट 1v2 के चलते टीम आईडी ने स्नैच को एलिमिनेट कर दिया जाता और जो प्लेयर इन्होंने नॉक करे थे उसका फायदा एक बार फिर से टीम गॉडलाइक उठा सकती है। वेल गॉडलाइक की अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आप कह रहे थे मायावी, चार कोने में चार खिलाड़ी है, हर एक पोजीशन को फोर्टिफाई किया जा रहा है। जी गॉड यहां पे नजर रख रहे एक टीम के ऊपर, तो यहां पे क्लच गॉड एक कंप्लीट टीम को वाइप आउट करते हैं नियो की मदद से। एनिग्मा गेटिंग वाइप आउट हियर, सेवन चीज सबसे बड़ा खतरा जो मैं कह रहा था, यहां पे सारंग को किया जाता है स्पॉट। जोनाथन काफी देर से यहां पे तंग कर रहे हैं सेवन चीज के खिलाड़ी को, मौका नहीं दिया जा रहा है आगे बढ़ने का एंड अलादीन कोशिश करे कि किसी भी हाल में प्रिंस को रिवाइव दिया जाए, लेकिन प्रिंस को रिवाइव देने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा बिकॉज दो तरफ से नजर रख रहे हैं यहां पे, एक साइड में है जोनाथन, दूसरे साइड में है जी गॉड, ऊपर बैठे हुए क्लच गॉड एंड नियो। 10 players, 3 teams, मौका है यहाँ पे जोनाथन के पास, लेकिन एक गलती करते हैं पीक करने का, पीछे से डेस्ट्रो हाई बोलने वाले हैं जोनाथन को, क्लच गॉड का जवाबी हमला प्रिंस के ऊपर, अलादीन भी नॉकआउट, आखिरी खिलाड़ी आखिरी उम्मीद वो आर यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं मौके का, सारंग को प्रेशराइज किया जा रहा है, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट्स गोना गो। अब यहाँ पर स्लैमिंग जो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने डाला उसमें गॉडलाइक को दिक्कत हो सकती है, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स इस टाइम 7 चीज के ऊपर स्लैमिंग डालते हुए एक टीम खत्म जरूर से कर दी है, बट अभी भी खतरा टला नहीं है। डेस्ट्रो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए Wizgod के पास भी जा रही, Wizgod ने 4v2 एक ही खिलाड़ी बचा है, ये गॉडलाइक का चिकन डिनर एक बार फिर से आ सकता है, एक नहीं दो दो खिलाड़ी बची है, नियो को डाउन कर दिया, Wizgod इस पहले सवाल ही वैक्सी मिली भी हमें टू गेट 4v2 डन, वाओ बैटिंग सर्वाइविंग यहां पर सिर्फ एक एचपी में बचे हुए। क्लच गॉड क्या कर पाएंगे? जी हां, क्लच गॉड कर पाएंगे। आप पूछ रहे थे कि टीए गॉडलाइक के चिकन डिनर क्यों नहीं आ रहे सेमीफाइनल्स में, ये लीजिए फाइनल्स के लिए चिकन बचा रखे थे, और क्या सेलिब्रेटरी है यहाँ पर, सेलिब्रेशन देखिए आप कितनी जबरदस्त चलती हुई दिखेगी आपको यहाँ पर, पूरे खेमे में सब खिलाड़ी खुशियों से भरे हुए, और
क्या जबरदस्त मुकाबला गॉड लाइक के खेमे से। बिल्कुल, गॉड लाइक की टीम लगातार यहाँ पे आज की शाम दो विनर विनर चिकन डिनर लेके जाने वाले हैं, एंड दिस इज मैसिव, दिस इज ह्यूज। जो पॉइंट्स मिलेंगे इग्नाइट की तरफ से यहाँ पे आग लगाया जा रहा है, एंड उसी का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। क्या यहाँ पे पुशिंग करना चाह रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पे रेवेनेंट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है पुशिंग करने का। पुशिंग करते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे नॉकआउट करेंगे, एलिमिनेट भी करेंगे कंप्लीटली यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को। सेवन सीज के पास एक मौका है कि वो थर्ड पार्टी करे। सेवन सीज जो एंगल होल्ड कर रहे हैं, अलादीन यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे तंग कर सकते हैं। एंड टेनेसिटी को देखिए, स्क्वाड हाउस के ऊपर बैठे हुए छत के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कब प्लेयर्स वहां से पीक करें एंड कब उनको मौका मिले अपने स्प्रे डाउन करने का। जोन से थोड़ा सा दूर मार्कोस गेमिंग की टीम, क्या वो एज क्लियर कर पाएगी? टेनेसिटी के पास अपने चारों प्लेयर्स बचे हुए हैं। जैसा कैप्टन आपने कहा था कि राइजिंग स्टार्स की टीम भी यहां पर चिकन डिनर लेके जा सकती है, एक अच्छा मौका इनके पास भी आउटशाइन करने का। अब 8 बिट के खिलाड़ी अभी तक भी जोन के बाहर है, और मेरे नजर में अगर जोन का फेवर किसी को है तो वो फिर से 7 सीज के प्लेयर्स को। इस बार 25 फिनिशेस तो नहीं है, बट हां चिकन डिनर का चांस अभी भी बहुत ज्यादा है, और मुश्किलों का सामना करते करते यहां तक पहुंची है वो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त चीज। 8 बिट वीरू सैक्रिफाइस रोल अदा करने के लिए मेरी नजर में ये बिल्कुल तैयार है, बट सामने से काउंटर की बारी आती है तो वीरू को यहां पर बैकफुट पर खेलने की पूरी कोशिश होती है। उधर से अलादीन, सामने से मार्कोस, क्लस्टर्स यहां पर बन चुके हैं। मार्कोस गेमिंग के सूर्य और चारों को अगर राइट हैंड साइड से जाकर 7 सीज के प्लेयर्स पर अच्छे ग्रेनेड्स करते हैं तो शायद वो अपना एज क्लियर भी कर पाएंगे, बट कंपाउंड टू कंपाउंड की फाइट के अंदर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको 8 बिट की टीम मिलेगी, 10 बिट की टीम मिलेगी। वीरू यहां पर ग्रेनेड करे, गाड़ी के पीछे अगर ग्रेनेड जाता है करेक्टर जरूर से बन जाएगा काफी 10 यहां पर स्टन ग्रेनेड्स अपने आपको फ्लैश जरूर से कर लेंगे, बट पकड़े नहीं जो नॉकआउट कर देगा वो ग्रेनेड जरूर से वीरू का होगा। फिनिश ग्रिड में उनका नाम यहाँ पर जरूर से आ रहा होगा। अब 8 बिट के प्लेयर्स बाहर निकलकर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मात्र 12 मीटर जोन के अंदर जाना, और जानते हैं कि स्क्वाड हाउस से और 2 से 3 खिलाड़ी आने वाले हैं। ओमेगा बिल्कुल रेडी है, जल्दी गाड़ी से प्लेयर्स को उतार रही है, जल्दी गाड़ी से प्लेयर्स को उतार रहे हैं, ग्रेनेड से यहाँ पर प्लेयर्स को उतारा जा रहा है। 8 बिट की टीम गट्टा के सर्कल के आसपास में जरूर से चिकन डिनर लेके जाने की पूरी कोशिश करती हुई। बिल्कुल अंतराल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं टेनेसिटी के हेल्थ को भी कंफर्म किया जाएगा, एंड 7 सीज को भी प्रेशराइज किया जा रहा है ऑफ एंगल से। यहां पे जायरोगॉड एंड मार्कोस गेमिंग के सूर्या दोनों प्लेयर्स यहां पे आ गए आने की कोशिश कर रहे हैं। जोन की अगर हम बात करें कि सारे के सारे प्लेयर्स को यहां पे सेंटर की तरफ पुशिंग करने वाले हैं, एंड मार्कोस गेमिंग दो खिलाड़ी अलाइव, मौका है 8 बिट के पास। 8 बिट को यहां पे गेटकीप किया जा रहा है टॉप डॉग के द्वारा। रेवेनेंट यहां पे सिर्फ 8 मीटर दूर है जोन से, ओमेगा को बाहर आना पड़ेगा, स्पॉट किया जाता है, लेकिन दूसरे एंगल से अलादीन किसी तरीके से टॉप डॉग को स्पॉट करके एलिमिनेट करने वाले हैं। मौका अभी भी है टीम 7 सीज के पास, 7 सीज जो कि डोमिनेट करके आए हैं, एक कंप्लीट रिज कवर उनको मिल रहा है। सारंग पूरा लेफ्ट ओवर फ्लैंक चेक कर सकते हैं, अलादीन को राइट ओवर फ्लैंक चेक करना पड़ेगा, प्रिंस जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल में है अभी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि रास्ते के उस पार से अगर कोई आने की कोशिश करता है जो कि है टीम 8 बिट, उनको प्रेशराइज किया जाए। अक्षु एंड वीरू, अलादीन करते हैं स्पॉट, वीरू सर्वाइविंग ऑन अ स्लिदर ऑफ एचपी। आई थिंक यहां पर एक सिंगल बुलेट को do wonders from Aladdin, but कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आया नहीं, स्मोक कर दिया, बट रैंडम फायर्स मेरे ख्याल से अभी भी दे देना चाहिए थे। सूर्या यहां पर आराम से प्रोन डाउन है, जानते हैं कि राइट हैंड साइड से डैमेज आ चुका, वीरू के पास ज्यादा हीलिंग नहीं है। आए वहां पर कुछ रैंडम शॉट्स डीपी के, प्रिंस बिल्कुल सेंटर से कमांड को होल्ड करते हुए, अलादीन ऑफ गार्ड एंगल से राइट हैंड साइड से 8 बिट को गेटकीप करते हुए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सारे मिलेंगे जो मार्कोस को ब्लॉक कर सकते हैं। ये ट्रिपल स्प्लिट अगेंस्ट में भी जा सकता है अगर बैक फायर कर जाती है 8 बिट की टीम, अगर बैक फायर कर जाती है मार्कोस की टीम, बट ऐसा होने नहीं वाला। प्रिंस वहां पर सूर्य को डाउन कर जाती है, अलादीन बिल्कुल तनाते 8 बिट के प्लेयर्स को डाउन करने के लिए, वहां पर जोन के डैमेज एक ना हो चुका, सूर्य को बिल्कुल लास्ट में लड़े, और कहीं ना कहीं वीरू भी वहां पर लुआ, तो ये मैच मुझे कहीं ना कहीं 8 बिट के खेमे में शाम 7 सीज भी लेके जाने वाले हैं एक और विनर विनर चिकन डिनर। यू नो व्हाट दैट मींस? 3 2 2 2 2 Oh my god, yahan par aaj